يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم लायक एहतराम भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों अज़ीज़ों साथियों मस्तूरात मुअज़्ज़ज़ात माओ और बहनों रब्बे ज़ुल जलाल ने इंसान को जो अज़मत अता फ़रमाई है उस अज़मत और वक़ार और तकरीम के हवाले से आपने गुफ्तगू पिछले जुमा समात फरमाई और जब इंसान को अल्लाह ताला ने यह इज़्ज़त यह अज़मत और तकरीम अता फरमाई है तो इज़्ज़त और तकरीम में उसको जो मुकाम मनसब और मर्तबा अता फरमाया है वो क़ुरान करीम में फ़रमाया लक़द ख़लक़ना लिंसान फ़ी अहसन तक़वीम कि हमने इंसान को अहसन तकवीम में पैदा किया है अशरफुल मखलूकात बनाया है कायनात की तमाम मखलूकात में अगर किसी को फजीलत और मनकबत अता फरमाई गई है तो वो हर लिहाज से इंसान को अता फरमाई गई। तो जब इंसान को अल्लाह ताला ने अजमत अता फरमाई फजीलत अता फरमाई तकरीम अता फरमाई तो कुछ उसके खसाइस ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने दूसरी मखलूकात से बढ़कर उसको अता फरमाए हैं। उसमें एक सबसे अहम अंसर ये है, एक अहम जुज़ ये है कि मखलूकात में अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फितरती जो शर्म और हया का पहलू रखा है इस वास्ते और इस तकाज़े में एक दूसरे से सतर एक दूसरे से छुपना और एक दूसरे से अपने जिस्म को छुपाना ये उसकी फितरत में लिख दिया। और इस हवाले से साथ ये कुरान में भी फरमा दिया कि या बनी आदम क़द अन्ज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम कि हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया है जो तुम्हारी इज्जत और इस्मत को छुपाता है और तुम्हारे लिए ज़ेब व ज़ीनत का भी बायस है। तो ये जो लिबास अता फरमाया गया है ये अल्लाह ताला ने कायनात में किसी जानवर को ये अकल और शऊर ये हिस अता नहीं की, ये इंसान को अता फरमाई है। और लिबास की अगर तारीफ़ को समझा जाए तो लिबास की तारीफ़ में
जो मौसुआ में और लुगत में जो इसकी तारीफ आती है वो ये है कि हुआ मायस्तुरुल बदन वयदफ़ुल हर्रा वल बरदा, के लिबास वो चीज़ है जो बदन को छुपाता है और फिर वयदफ़ुल हर्रा वल बरदा, गर्मी को भी और सर्दी को भी दूर करता है। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो उसकी जिसामत बनाई है और उसको जो हिस्सा अता फरमाई है उसको बुरे कार लाते हुए मौसम की तब्दीलियों के साथ इंसान अपने जिस्म को जितनी उसको ज़रूरत होती है उसके मुताबिक उसके लिबास का एहतमाम उसके टेम्परेचर के मुताबिक करता है। अगर गर्म इलाका है या गर्म मौसम है तो उसके मुताबिक इख्तियार करता है, अगर सर्द मौसम है या सर्द इलाका है या दर्जा हरारत कोई कम है मनफी की तरफ जा रहा है तो वो उसके मुताबिक अपना लिबास इख्तियार करता है। और ये एहसास अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात में सिर्फ इंसान को ही अता फरमाया, ये किसी और को एहसास अता नहीं किया, हालांकि अल्लाह की अनगिनत मखलूकात हैं। शैतान ने इंसान को वरगलाने के लिए और इंसान का लिबास उतारने के लिए उसने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाके भी हरबा अपनाया था और उसका मकसद दोनों को आया करना और यहाँ करना, ये मकसद था और उसको कुरान ने अपने अल्फाज में वाज़े किया है। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यन्ज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा वक़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश्शयातीना औलिया आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, शैतान के नरगे में मत आइए। शैतान इंसान के जज्बात को उभारता है और उसके फितरती जज्बात से खेलने की कोशिश करता है और अपने वसवसे में डालकर इंसान को दूसरे के सामने आया करना चाहता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, ए बनी आदम मुतनब्बे रहिए, बाखबर रहिए शैतान के हमलों से, क्योंकि शैतान ने तो ये किया था यन्ज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, उसने तुम्हारे आबाओ अजदाद को उनको जन्नत से निकलवा दिया था और उनको उनके सामने औरयां कर दिया। लियुरियहुमा सौआतिहिमा, हकीकत ये थी कि वो चाहता था, उसने जिस मकसद के लिए ये काम किया ताकि दोनों एक दूसरे के लिए औरयां हो जाएं। इन्नहु यराकुम हुवा वक़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, शैतान और उसके कारिंदों का काम ये है कि तुम्हें फितनों में डालने के लिए, वसवास में डालने के लिए, बेहयाई में डालने के लिए और औरयानी और फहाशी का शिकार करने के लिए वो तुम्हें इस हैसियत से बहलाने फिसलाने के लिए कारगर होते हैं कि जिसका तुम्हें इदराक भी नहीं होता। ये याद रखिए कहीं उसके नरगे में ना फंस जाइए। और शैतान चाहता क्या है? शैतान इंसान के जज्बात से खेलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
एक फितरती जज्बा मर्द और खातून में रखा है। अब शैतान उसमें आकर उस जज्बे से बनी नौ इंसान में, मर्द में भी खातून में भी, उसके एहसास से कैसे खेलता है। الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم। शैतान तुम्हें फ़क्र का वादा दिलाता है, तुम फकीर हो जाओगे, तुम तंग दस्त हो जाओगे, और तुम्हें फहाशी का, बेहयाई का हुक्म देता है। और वो मर्दो जन में ऐसे जज्बात उभारने की कोशिश करता है कि मर्दो जन आपस में एक दूसरे के साथ जज्बात का इजहार करें और बेहयाई के मुर्तकिब हों। यकीनी बात है कि अगर वो बेहयाई से बचेंगे, रब का कुर्ब इख्तियार करेंगे, और शैतान को अल्लाह का तकर्रुब पसंद नहीं है, और वो अपने फितने में डालकर और अपने वसवसे में डालकर बनी नौ इंसान को करने की कोशिश करता है, तो समझना चाहिए कि ये जो लिबास है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया है, उसके मकासिद को समझिए। उसके तीन मकासिद कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं, आप वो तीनों मकसद कुरानी आयात के हवाले से समाअत फरमाएँ। पहली आयत सूरह आराफ की, अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासुत तक्वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़करून। ए बनी आदम, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया, ये नेमत तुम्हें अता फरमाई। इसके दो मकासिद इस आयत में बयान हैं। क्या मकसद? पहला मकसद, पहला मकसद ये है कि तुम्हारा सतर अल्लाह ताला छुपाना चाहते हैं। युवारी सवातिकुम, तुम्हारी इज्जत और इस्मत की हिफाजत हो, तुम्हारी शर्मगाह उसको छुपाना चाहते हैं, तुम्हारे हया की हिफाजत करना चाहते हैं और तुम्हें बाहया बनाना चाहते हैं। और दूसरा मकसद वरीशा, तुम्हें जेबो जीनत तुम्हें देना चाहते हैं, लिबास पहनोगे जेबो जीनत तुम्हारे जिस्म से उभरेगी। और भाइयों, आज देखिए, ये ऐसा फितरती इंसान के अंदर जज्बा है और ये फितरती एहसास है कि हर शख्स अच्छे से अच्छी पोशाक का अहतमाम करना चाहता है, और हर शख्स के अंदर अल्लाह ताला ने ये जमालियाती एहसास, ये एस्थेटिक सेंस रखी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, और इस खूबसूरत नज़र आने की तवद्दो में वो अच्छे से अच्छे लिबास का अहतमाम करना चाहता है। और अच्छे से अच्छा लिबास वही होगा जो इंसान के सतर को भी ढांपे और उसके जिस्म से कोई ऐसा उसका उज़्व जाहिर ना हो जिसको छुपाना शरीयत ने लाजमी करार दिया है। इस मकसद को हमने समझना है। ये दो मकासिद लिबास के इस आयत में बयान हुए। और तीसरा मकसद सूरह नहल में अल्लाह ताला ने बयान किया, वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक ज़िलालन وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم ने तुम्हारे लिए साया भी बनाया और पहाड़ों से भी तुम्हारे लिए फायदे की चीजें बनाई। वजअल लकुम सरबील तकीकुमुल हर,
तुम्हारे लिए लिबास, शलवार, कमीज, चादरें, जो भी लिबास इलाकाई कल्चर के मुताबिक बंदा पहनता है, अल्लाह फरमाते हैं सरावील तकीकुमुल हर, ये लिबास जो तुम्हारे लिए बनाए तकीकुमुल हर, ये तुम्हें गर्मी से भी महफूज रखते हैं। वसरावील तकीकुम बसकुम, कुछ लिबास ऐसे हैं तुम्हें लड़ाई के वक्त, जंग के वक्त भी तुम्हारा तहफ्फुज करते हैं। और उस जमाने में इंसान का बचाव करने के लिए जिरह हुआ करती थी कि जब तीर का, तलवार का या शमशीर का, किसी भी ऐसे आले का जो उस वक्त जानलेवा साबित हो सकता था, उसका हमला होता था, तो ढाल और जिरह ये काम करती थी कि इंसान उस हमले से महफूज रह सके। और आज उस हवाले से मौसमी तगैर और तबद्दुल के एतबार से, जदीद जो हमारा साइंटिफिक निज़ाम है, उस हवाले से इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा एहसास दिया है कि उसने अपने ऐसे लिबास बना लिए हैं जो अनफ्लेमेबल है, जिसको शोला भी नहीं छूता, इंसान को जंग के वक़्त वो उस किस्म की शिद्दत से भी महफूज रखता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने इंसान को ये दानिश अता फरमाई, और उस दानिश को बुरुए कार लाते हुए इंसान ने यह काम किया। अब भाइयों, जब हमने लिबास पहनना है, आपने एक लफ्ज़ सुना, इंसान का सतर महफूज रहे, इंसान को अपने आप को छुपा के रखना चाहिए। ये सतर ये कैसा होना चाहिए और ये सतर इसका मानी क्या है? लफ्ज़ सतर का अरबी ज़ुबान में मतलब है ढांपना, छुपाना, और किसी चीज़ पर कोई चीज़ डाल दी जाए, कपड़ा डाल दिया जाए, वो चीज़ छुप जाती है, इसको हम कहते हैं कि इसने इस चीज़ को छुपा लिया। और ये सतर इसी लफ्ज़ से ही, लफ्ज़ हम अरबी ज़ुबान का मस्तूरात अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ुबान में, जिसका मानी होता है छुपाई गई, छुपी हुई, छुपाई गई, यानी औरतें, जिसका सतर सर के बालों से लेकर पाँव के एड़ियाँ, नाखून सारे समेत उसका सतर है कि वो किसी के गैर के सामने खुल नहीं सकता। तो ये जो सतर है, अब इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आपने अभी आयत जो सुनी है, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, के बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद के पास अपनी जीनत बनाओ। अब आप इस पे गौर कीजिए कि इसको छुपाना शरई तौर पे हमें लाजिम करार दिया गया कि हम इसको अपने जिस्म को, बिलखसूस सतर को, लाजमी तौर पे छुपाएं। और जो नमाज के, इबादत के औकात हैं, उसमें तो जितना कपड़ा एहतमाम करना है वो सारे का सारा जिस्म, कंधे समेत उसको ढांपना, कंधे तक उसको ढांपना मर्दों के लिए भी ज़रूरी है। अब आगे आप सुनेंगे कि उसकी शलवार, तहबंद या दीगर लिबास है, वो कितना इंसान अपने जिस्म के ऊपर रख सकता है और कितना उसको नंगा रखना ज़रूरी है। या आगे आप मसला समाप्त फरमाइएगा। आप देखिए कि इस हवाले से, इस सतर के हवाले से इमाम खाजिन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तफसीर खाजिन में, अमरू वज़ाहिरुहु अलवुजूब वफ़ीही दलीलुन अला अन्न सत्र अलऔरति वाजिबुन फ़िस सला वत्तवाफ़ी वफ़ी कुल्ली हालिन, कि ये सतर जो है ये इंसान को इसके लिए लाजिम करार दिया गया है कि वो इसको छुपाए, आम कैफियत में भी छुपाए, और फिर इसके साथ साथ नमाज में भी छुपाए, तवाफ़ करते वक्त भी अपना सतर छुपाए, और ये इबादात की जितनी किस्में हैं इन तमाम में इंसान के लिए लाजिम है कि वो इनको छुपा कर इबादत करे। इसके बगैर जो है वो उसकी इबादत उस शरायत को पूरा नहीं करती जो इंसान के लिए इबादत में कपड़े लाजिम करार दिए गए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने सहाबी की तरबियत किस तरह फरमाई, हज़रत मिसवर बिन मखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा एक भारी पत्थर उठाने लगा कि मेरा कपड़ा गिर गया। इंसान मजदूरी करता है, कोई चीज़ उठाने लगता है तो मुमकिन है कि उसका कपड़ा, उसका सतर से हट जाए,
तो इंसान को अपना काम करने से पहले अपना सतर ढांपना उसके लिए उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होता है। हज़रत मिसवर फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुझे फौरी तौर पर मुखातब होकर फरमाया कि खुद अलैक थौबन वला तमशू औरातन, क्या मेरे सहाबी अपना कपड़ा जो है वो पकड़ लो और अपने ऊपर इसको ले लो, वला तमशू औरातन, और आप ऐसे मत चलो कि आपका जिस्म जो है वो नंगा होता हो, ये शरीयत ने इसको जायज़ करार नहीं दिया है। और सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाहु ताला अन्हो वो हदीस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक आदमी के लिए, एक औरत के लिए, यानी आमामुन नास के लिए किसी को भी दूसरे का सतर देखने की इजाज़त नहीं दी, ढांपने का हुक्म दिया है। फरमाया ला यंदुरु रजुलु इला औरति रजुल, कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के सतर को मत देखे, वलल मरअतु इला औरतिल मरअ, ना खातून खातून के सतर को देखे, वला युफदिर रजुलु इला रजुलि फी थौबिन वाहिदिन, वला तुफदिल मरअतु इला मरअति फी थौबिल वाहिद, ना एक मर्द दूसरे मर्द के साथ एक कपड़े में लिपटे, ना खातून दूसरी खातून के साथ एक कपड़े में लिपटे। शरीयत ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, हर किसी को अपने सतर में और अपना आप छुपाने का शरीयत ने हुक्म दिया है। लेकिन इस बात में ये मसला ज़रूर जेहन में रखिए, जो शरीयत में जहाँ पे इस्तिस्नाई सूरतें और इख्तियारी सूरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात की रोशनी में अहादीस में हमें बताई हैं, वो समात फरमाएं कि जो सतर से इस्तिस्नाई सूरतें हैं, कैसी कैफियत? नंबर एक, नाबालिग बच्चा, उसकी सतर पोशी आम कैफियत में लाजिम नहीं है क्योंकि बलूगत तक उसके इस्लामी अहकामात की पाबंदी नहीं है। नंबर दो, बीवियों और लौंडियों के हवाले से मकामात सतर को खोला जा सकता है, और गुसल के वक़्त, नंबर तीन, गुसल के वक़्त अपना सतर खोला जा सकता है, और नंबर चार, इंसान के जिस्म के अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हिस्से बनाए हैं और सेहत और बीमारी इन सारी कैफियात से इंसान गुज़रता है, और बसा औकात ऐसे होता है कि उसके किसी जिस्म के ऐसे हिस्से पर बीमारी होती है या ऐसी कैफियत है कि इलाज के लिए वो चीज़ खोलनी पड़ती है, तो ऐसे में शरीयत इजाज़त देती है कि वहाँ पे इलाज और सेहत का हासिल करना ज़रूरी है, वहाँ पे सतर खोला जा सकता है। इसके अलावा कोई इस्तिस्नाई सूरत मौजूद नहीं है। और मर्द के लिए सतर कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैन सुर्रा व रुकबति औरतुन, ये नाफ है और ये घुटने समेत, ये सारे का सारा इंसान का सतर है, ये गली में, महल्ले में, घर में, बाजार में इसको खोलने की या इससे कम कपड़ा पहनने की इंसान को इजाज़त ही नहीं है। नमाज में तो, या जब हम ख़ानदान में, फैमिली में बैठते हैं, वहाँ पे तो यकीनी बात है, आदाब का तकाजा है कि आप मुकम्मल कपड़े का अहतमाम करें। नौजवान नस्ल को देखने में जो आता है, आप किसी को कहें शलवार टखनों से ऊँची रख लें, मजाक करेगा, लेकिन गर्मियों का मौसम आएगा, लॉन्ग निक्कर पहनेगा, घुटने नंगे होंगे, ये शरीयत की मुखालफत है। और मर्द कोई भी मर्द लॉन्ग निक्कर पहने जिससे उसके घुटने नंगे हों, एक बात तो जेहन में रखे, उसने इसको फैशन समझ के पहना है, उसने सुन्नत समझ के तो नहीं पहना होता। उसने फैशन समझ के पहना है तो लिबास पहनने की नेकी तो उसको एक भी नहीं मिलेगी, चाहे सारा जिस्म ढांप ले। हम लिबास पहने इस नीयत के साथ कि ये शरीयत ने हमें हुक्म दिया है अपना जिस्म ढांपने का, इंशाल्लाह लिबास पहनने की भी नेकी मिलेगी। लेकिन अगर रस्म व रवाज के उसके लालच में आकर और इलाकाई कल्चर के लालच में आकर या किसी से मुसाबकत के चक्कर में आकर अपना सतर घुटना भी नंगा किया तो अल्लाह के यहाँ गुनाहगार होगा, इसका सज़ा और पनिशमेंट अल्लाह से भुगतना पड़ेगी। ये मर्द के लिए। और औरत के लिए जो काबिल सतर मुकाम है वो क्या है? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरअतु औरतुन, खातून तो सारी की सारी, उसका नाम ही पर्दा है, वो पर्दे में ही रहेगी तो औरत कहलाती है, उसको औरत कहते ही इसलिए। अब खातून मेरे भाइयों, अगर वो अपना अपने सर के बालों से लेकर अपने पाँव की एड़ियों तक अपने आप को नहीं छुपाएगी और ऐसे कपड़ों का अहतमाम नहीं करेगी जो इस हदीस के मुताबिक उसके लिए लाजिम है, तो यकीनी बात है वो भी अल्लाह के सामने गुनाहगार होगी। जितना जिस्म नंगा रखेगी यकीनी बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन से उतनी सज़ा भुगतने के लिए वो तैयार रहे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बयान करती है कि मेरी बहन अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बारीक कपड़े पहने हुए थे, बारीक कपड़े पहने हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गई। सुनने अबी दाऊद की 4104 नंबर हदीस है। आप सारे हजरात माशाल्लाह सुन रहे हैं, समात फरमा रहे हैं, मेरी माएँ और बहनें भी सुन रही हैं। सईदा अस्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली, आप तसव्वुर करें हमारे ख़ानदानों में हमारी सालियाँ उमूमी जो रुझान है वो अपने बहनोइयों से पर्दा भी नहीं करती, वो पर्दा भी नहीं करती। भाई क्यों पर्दा नहीं करती? ये मुआशरती कल्चर है, ख़ानदान का रुझान है, इनसे पर्दा होता नहीं है। एक उसूल वो है जो शरीयत ने वज़ा कर दिया है और एक वो उसूल है जो हमारे मुआशरे में, हमारे बरादरी में, हमारे ख़ानदान में मुरव्वज है। दावे के हम मुसलमान हैं, दावे के मुहिब्बाने रसूल हैं और दावे के हम नमाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, रोज़ेदार भी हैं, सदका खैरात करने वाले भी हैं, लेकिन अमली इतबार से हम इतने कमज़ोर हैं। आप इस हदीस को सुनकर ख़ुद अंदाज़ा कीजिए। आपने अस्मा बिन्त अबी बकर से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, अस्मा बिन्त अबी बकर से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और फरमाया या अस्मा इन्नल मरअ इज़ा बलगतिल महीद लम तस्लह अन युरा मिन्हा इल्ला हादा व हादा। अस्मा याद रखना, बच्ची या खातून जिसके ऊपर लफ्ज़ खातून सादिक आता है मोनस, जब वो बालिग हो जाती है तो उसके लिए लाजिम है कि वो अपने आप को ढांपे और उसके जिस्म का कोई हिस्सा गैर को नज़र नहीं आना चाहिए सिवाय हाथ के या जो आंखें वगैरह हैं, इससे अलावा उसकी कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये जायज़ा हमने खुद लेना है कि इस हदीस के मुताबिक आया हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे ख़ानदान में अमल होता है या नहीं होता। अगर अमल होता है तो हमें खुश होना चाहिए, लेकिन ये याद रखें मेरे भाइयों, ये मसला घर में भी वही मसला है, बाज़ार में भी वही मसला है, ईद की नमाज़ों के लिए भी वही मसला है, शादियों ब्याहों और फंक्शंस के लिए भी वही मसला है। ये शरीयत ये बाज़ार के लिए या शादियों के फंक्शंस के लिए अलग तालीमात नहीं देती कि वहाँ पे आप खुलेआम अपनी फैमिलीज़ में फिरें, ना आपके सर पे दुपट्टा हो और आपने लिबास भी ऐसा पहना हो जो काबिले एतराज़ हो शरीयत की नज़र में। ये शरीयत ऐसा कतन कोई गुंजाइश नहीं देती। इसकी तालीम घर में भी वही है, मस्जिद में भी वही है, शादी ब्याहों और फंक्शंस में भी वही तालीम है और बाज़ारों के लिए भी वही तालीम है। इस तालीम में कोई ज़रा बराबर झोल नहीं है और इन पर अमल करना मेरी और आपकी हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने घरों में इन चीज़ों पर अमल करवाएँ। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो बातें हमें इजाज़त दी, कुरान करीम ने एक तो वाज़ह हमें हुक्म दिया है कि हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्ज़ी जमीअन, अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर सारा कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया। आपके पास जितने वसाइल हैं, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, जितने वसाइल मौजूद हैं, उनको बुरे कार लाते हुए अपने लिए लिबास का अहतमाम करें और ऐसे लिबास का अहतमाम करें कि जो आपको सतर के तकाज़ों को पूरा करता हो जो आपने हदीस में समात फरमाए, और इसमें हर उस लिबास से परहेज़ करें जो लिबास ऐसा लिबास हो कि जिससे गैर किसी कौम की मुशाबहत होती हो, हर उस लिबास से परहेज़ करना चाहिए।
मसलन इंसान ऐसा लिबास पहने कि किसी ऐसे कल्चर में, किसी ऐसी कौम में लिबास पहना जाता है, मसलन हिंदुओं का मखसूस लिबास है, मखसूस रंग का लिबास है, और उनके मखसूस दिनों का मखसूस लिबास है, और हम भी, हमारे अंदर भी दिल मचलता हो कि हम भी उस दिन वो लिबास पहन लें, शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। आपने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वह उन्हीं में से है। और कुरान करीम ने तो यहाँ तक फरमा दिया वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीन ला यअलमून, आप इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी मत करें जो जानते नहीं हैं। जिन लोगों को शरीयत के मसाइल का इल्म नहीं है, उनकी यकीनी बात है दुनिया का कल्चर देखकर, रोज़ाना टीवी पे देखकर, अखबारात को देखकर, मीडिया को देखकर, चलते फिरते ख्वातीन को देखकर, मर्दों को देखकर ये चीज़ें मचलती है कि हम भी ये चीज़ें पहनें, लेकिन ला तत्तबि अहवाअल्लज़ीन ला यअलमून, इन लोगों को शरीयत के मसाइल का इल्म नहीं है। अल्लाह ने आप पे एहसान फरमाया है कि आपको जुमा का फ़र्ज अदा करने के लिए अल्लाह ने मस्जिद की रौनक बनाया है, आपने ये मसला सुन लिया है। मसला सुनने के बाद एक मोमिन का फ़र्ज क्या है? इन्नमा कान कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम यकूलु समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मोमिनों का काम क्या है? मोमिन कुरान की आयत सुन ले, मोमिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन ले, तो उसका आगे से काम ये नहीं है कि वो चूँ चना करता फिरे कि देखें जी फिर मजबूरियां भी होती हैं, देखें जी ख़ानदान के मसाइल भी होते हैं, देखें शादियों फिर ऐसा तो हो ही जाता है, इतनी सख्ती तो कहीं नहीं लिखी हुई मेरे भाई, नरमी कहीं नहीं लिखी हुई, सख्ती सारी लिखी हुई है जो आप सुन रहे हैं, ये पाबंदियाँ सारी लिखी हुई हैं, इसमें कहीं गुंजाइश नहीं दी गई कि आपके बच्चे की शादी हो तो ये लिबास पहन के निकल जाए, शरीयत ने इजाज़त दी है। इसमें कहीं ये बात मेंशन नहीं की गई कि आपके फुला फैमिली की शादी हो तो आपकी खातून ये लिबास पहन सकती है, आपकी जवान बच्ची ये लिबास पहन सकती है। खैर है मेरे भाई, शरीयत में अल्लाह ने सख्तियाँ पाबंदियाँ बताई हैं, रिलैक्सेशन इस हवाले से कोई नहीं दी, ये आप लेकर आए अगर आपने पहनना है तो। आप अमूमन देखेंगे फैमिलीज़ में आप किसी को रोक कर देखें यार इतनी सख्ती तो कहीं नहीं लिखी हुई, मेरे भाई नरमी कहीं नहीं लिखी हुई, ये पाबंदियाँ लिखी हुई हैं जो आप सुन रहे हैं। और शरीयत हमें जहन्नम की आग से बचाती है। आप वो हदीस सुन लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रात को उठे हैं, बेदार हुए, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक रिवायत सईदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, आपने फरमाया सुबहानअल्लाह मादा उन्ज़िलल लैला मिनल फितन वमा अन्ज़ला मिनल खज़ाइन, के क्या बात है कि अल्लाह ताला ने आज कैसे कैसे फितनों के बारे में आगाह किया है, और कई रहमतों के ख़जाने भी अल्लाह ने नाजिल फरमाए। और फिर आपने फरमाया जो दूसरी हदीस अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की, आपने फरमाया सुनफानी मिन अहलिन नार, दो सिफतें अहले नार की हैं, जहन्नम वालों की हैं, लम अरहुमा कौमुन माहुम सियातुन कादना बिल बकर, के जिन लोगों के पास गायों की दुमों जैसे कोड़े हैं वो लोगों को उन कोड़ों से मारते हैं, ये अहले जहन्नम की सिफत है, ऐसे कोड़ों से लोगों को मारना शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। और दूसरी बात जो आपने फरमाया वनिसाउन, के ऐसी औरतें कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन रुउसुहुन्ना का अस्मिनतिल बुख्त, के ऐसी औरतें जो लिबास बारीक पहने हुए, माइलातिन लोगों को माइल करने वाली, मुमीलात और माइल होने वाली, और फिर उनके सर उन्होंने ऐसे जूंडे बनाए होते हैं कि अस्मिनतिल बुख्त, जिस तरह बुख्ती ऊंट की कोहान जैसे जूंडे बनाए होते हैं। आपने फरमाया ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदना रीहा, ये औरतें ये ख़वातीन जो ऐसे लिबास पहने, याद रखना ये जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं हो सकती, ना जन्नत की खुशबू को पाएंगी,
وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ كَذَا وَكَذَا، اگر کہ جنت کی خوشبو اتنی دور مسافت سے آتی ہوگی، لیکن اللہ ان خواتین کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، لباس کا اہتمام، اچھے لباس کا اہتمام، لباس جسم کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسم کو عیاں کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر جسم کو عیاں کرنا ہوتا تو شریعت ہمیں اجازت دے دیتی کہ آپ کے ہاں فلاں فنکشن ہو تو اتنا لباس شارٹ پہن کے چلے جائیں، آپ اتنا لباس جو مخصوص لباس ہے یہ پہن کے چلے جائیں، آپ صرف سطر ڈھانپ کے چلے جائیں، یہ شریعت اجازت دے سکتی تھی، کیونکہ ایسی چیزوں میں، ایسے فنکشنز میں یہ تصور ہوتا ہے مائلاتن ممیلاتن، کوئی شخص کسی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، کوئی خاتون کسی کی طرف مائل ہو سکتی ہے، کوئی مرد کسی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، یا اس کی کیفیت دیکھ کر، جیسے خاتون مائل ہو سکتی ہے مرد بھی مائل ہو سکتا ہے، مرد مائل ہو سکتا ہے خاتون بھی ہو سکتی ہے، اس لیے شریعت نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ایسا فیشن کرنے سے منع فرمایا ہے کہ آپ ایسا مت کیجئے کہ جو بختی کوہان، بختی اونٹ کے کوہان کی طرح کہ آپ بالوں کا جھنڈا بنائیں اور ایسا بنا کے پھریں گی، یاد رکھنا آپ کا شمار ان خواتین میں ہوگا جو جنت میں داخل تو کیا اس کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ میرے بھائیوں، اگلی بات، شہرت والا لباس، یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ آپ نے فرمایا من لبس ثوب شہرت من الدنیا، جس نے شہرت والا لباس پہنا، یہ نیت کر کے پہنا، آج لوگ میرا لباس دیکھیں، لوگ میری تعریفیں کریں، سے پوچھیں، اس کا برانڈ پوچھیں، اس کی اصلیت پوچھیں، میں اس کی قیمت بتاؤں، لوگوں میں میرے لباس کا چرچا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ ثم الہب فیہا نارن، قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ رب العالمین ذلت کا لباس پہنا کے پھر اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گی۔ اللہ کریم ہمیں ایسے غرور، فخر اور تکبر سے میرے بھائیوں محفوظ فرمائے، اور ایسا لباس پہن کے یہ سوچ آنا، یہ بات میرے بھائیوں ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، مال دیا ہے، اچھے سے اچھا لباس پہنے، لیکن یہ نیت مت کیجئے کہ جناب آج میں لباس پہنوں، دنیا مجھے دیکھے، دنیا میرے لباس کو اپریشیٹ کرے، لوگ مجھ سے اس کا برانڈ پوچھے، اس پہ ہونے والا کام پوچھے، میں لوگوں کو بتاؤں، میری شہرت ہو جائے، میرا چرچا ہو جائے، یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جن کی یہ نیت ہو، اور اس نیت سے یہ لباس پہنے گے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید فرمائی ہے۔ اور اس کے برعکس میرے بھائیوں، لباس میں اسراف کرنا شریعت نے منع فرمایا۔ آپ نے آیت بھی سنی جو سورہ اعراف کی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اسراف مت کیجئے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اسراف اور فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے۔ جو چیز کم پیسوں میں اور کم وسائل خرچ کر کے آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، وہاں پہ وسائل کی بھرمار مت کیجئے، اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو، جس نے بہت گھٹیا لباس پہنا تھا، اس کے پاس وسائل تھے، یہ دونوں مثالیں ذہن میں رکھیں، تکبر نہیں آنا چاہیے، یہ مسئلہ آپ نے سن لیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ گھٹیا ترین لباس پہن کر اور گھسا پٹا لباس پہن کر آپ مسجد میں آئیں، فنکشن میں جائیں اور عاجزی کا اظہار کرتے پھریں۔ آپ نے فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت مالک بن فضلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فی ثوب دون، ایک ایسا لباس میں نے پہنا تھا جو بڑیا گھٹیا، بڑا گھٹیا اور ہلکا قسم کا لباس تھا، اور آپ نے فرمایا الک مال، میرے صحابی تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرے پاس مال و دولت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا من ای المال، کس قسم کا مال اللہ تعالیٰ نے تجھے نوازا ہے، کیسا کیسا مال دیا ہے؟ تو کہنے لگے قد اتانی اللہ من الابل والغنم والخیل والرقیق، اللہ نے مال بھی دیا، مجھے جانور بھی دیے، گھوڑے دیے، اونٹ دیے، بکریاں دیں، سارا کچھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا ہے،
فَلْيُرَا أَثَرُ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكَ، अल्लाह की उस नेमत का असर तेरे जिस्म पे ज़ाहिर होना चाहिए कि अल्लाह ने तुझे वाक़ियतन माल अता किया है। जब माल अता किया है तो ये सोच समझ कर आजजी रख कर कि ऐ मालिक तूने मुझे माल अता किया, मैं इतना महंगा सूट, मैं इतने महंगी चीज़ें, मैं इतनी महंगी गाड़ी, मैं इतने महंगे चीज़ ख़रीद रहा हूँ, लेकिन मेरे मौला मेरे अंदर तकब्बुर, मेरे अंदर बड़ापन, अल्लाह ताला आने से मुझे महफूज रखना। ये दुआ हमेशा करते रहिए। और आखिरी मसला, वक़्त चूँकि कम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास के हवाले से आपने उलमा से कसरत के साथ ये बात सुनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम को मर्दों पे हराम किया और फरमाया कि मैं अलबिसु फिद दुनिया, जो शख्स रेशम को दुनिया में पहनेगा मर्द आदमी, लम युलबसु फिल आखिरा, उसे आखरत में नहीं पहनाया जाएगा। लेकिन साथ साथ आप ये बात भी जहन में रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियां, तीन उंगलियां, इस जैसी कोई पट्टी लगी हो उसकी इजाज़त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि अगर इतना कुछ लगा हो किसी मर्द के लिबास में, शरीयत में उसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर किसी की जिस्मानी तबा ऐसी है, जिस तरह हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक दूसरे सहाबी के हदीस में आता है, उन्हें ख़ारिश थी और ख़ारिश की वजह से उन्हें उनके तबीब ने बताया कि आपको रेशम पहनना ज़रूरी है, बसूरत दीगर आपकी बीमारी बढ़ सकती है। तो ऐसी कैफियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों सहाबा किराम को रेशम पहनने की भी इजाज़त दी थी ताकि आपकी बीमारी ना बढ़ जाए। अगर ऐसा ख़दशा हो तो शरीयत में वो चीज़ें कि जिनकी शरीयत में ममानियत होती है तो बसा औक़ात उस मकसद के लिए, उस वक़्त तक के लिए उसकी हिल्लत मौजूद होती है। कुछ मसाइल आपने सुने, कुछ मसाइल रह गए, जब कभी फिर ये मौजू बयान करेंगे उसमें तफसीलन इंशाल्लाह इसके मज़ीद मसाइल बयान करेंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह करीम मुझे भी, आपको भी, हम सब को शरीयत के इन मसाइल को समझ कर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें हमेशा हलाल खाने, हलाल पहनने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।